नमस्कार दोस्तों। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे कश्मीर के पूरे इतिहास के बारे में। याद रखिए, अशोक से लगाकर यानी कि प्राचीन भारत से लगाकर आज यानी कि 2020 में क्या घटनाक्रम चल रहा है, किस तरह से आपने देखा कि 370 को खत्म कर दिया गया है, 35 ए को हटा दिया गया है, और भी आपने देखा है कितना बड़ा बदलाव किया गया है। उस सब के बारे में पूरी एक कहानी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे। अभी भी आप कहते हैं, देखते रहते हैं कि कभी कोई नेता पंडित जवाहरलाल नेहरू को जिम्मेदार ठहरा देता है, कोई गांधी जी को, कोई किसी और को, कोई किसी और को। तो पूरी कोशिश करेंगे आखिर कहाँ किसकी गलती हुई है। ठीक है, पूरा एक मतलब पूरी आप समझिए कि पूरा इतिहास आज तक का आप लोग इससे देख लेंगे। इसमें कई ऐसे भी पॉइंट रहेंगे जो आपकी परीक्षा के पॉइंट व्यू से भी जरूरी रहेंगे। और कश्मीर का इतिहास मुझे लगता है कि जो समस्याएं हुई है, आपने देखा है कश्मीरी पंडितों का वहां से जिस तरह से पलायन हुआ है, उसके बारे में भी हम लोग विस्तार से बात करेंगे। बस धीरज रखनी है आपको, क्योंकि ये क्लास बड़ी लंबी हो सकती है थोड़ी। समझ रहे हैं आप लोग, कश्मीर भारत की बहुत पुरानी समस्या है, आज की नहीं है। आप समझ रहे हैं, आजादी के समय जब हिंदुस्तान का बंटवारा दो देशों में हुआ तो सवाल उठा कि जब कश्मीर के किस देश के साथ जाएगा। मुस्लिम लीग के नेता जिन्ना के अनुसार इसे पाकिस्तान में जाना चाहिए, क्योंकि उस समय कश्मीर की आबादी का लगभग आपका 77% हिस्सा मुस्लिम था। यहाँ जो आबादी रहती थी जब हमारा देश आजाद हो रहा था 1947 में, तो यहाँ की आजादी थी मुस्लिम 77%, और यहाँ के जो राजा थे उन वो थे हिंदू। ठीक है, जिन्ना के पाकिस्तान की मांग मुस्लिम धर्म का हवाला दे कर की थी, किंतु यह तर्क कश्मीर के लिए गलत था। वहीं दूसरी तरफ यहाँ के राजा हरि सिंह ने कश्मीर को भारत अथवा पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं करना चाहते थे, यानी कि वे एक न्यूट्रल मतलब अलग सबसे रहना चाहते थे। हालांकि कालांतर में राजनीतिक स्थितियां ऐसी परिवर्तित हुई कि कश्मीर को भारत के साथ सम्मिलित होने में ही सुरक्षा महसूस हुई। आपको बताऊं कि जब 1947 में हमें आजाद मिली तो हमारे यहाँ कई सारी रियासतें हुआ करती थी, तो सभी ने लगभग लगभग भारत में मिलना स्वीकार कर लिया, लेकिन तीन रियासतें हुआ करती थी। हैदराबाद, जिसे पुलिस के द्वारा हम लोगों ने अपने मतलब मिला लिया था अपने देश में, आप सोचिए। दूसरी आपने जूनागढ़, इसे जनमत संग्रह द्वारा, और तीसरी आपकी कश्मीर, इसमें राजा हरि सिंह और पंडित जवाहरलाल नेहरू के बीच एक करार हुआ, उसके तहत आपने देखा कि भारत में ये मिल गया। और याद रखिए, सभी रियासतों को मिलाने का श्रेय किसे दिया जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को, उस समय होम मिनिस्टर थे यानी कि गृह मंत्री थे। अगर शायद वो ना होते तो आज भारत की स्थिति आपको कुछ और देख रही होती। तो एक बार अभी जो 2020 में मैप्स है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया है, एक लद्दाख बना दिया गया है, दूसरा कश्मीर। याद रखिए, ये जो पीओके वाला हिस्सा है यह अभी पाकिस्तान के कब्जे में है। जो आप अक्साई चीन वाला हिस्सा देखते हैं, ये चीन के हिस्से में है, चीन कब्जा किए हुए है हमारे हिस्सा। लेकिन आपने देखा 1962 के बाद चाइना ने यहाँ कब्जा कर लिया अक्साई चीन पर, और एलएसी ये आपका चाइना और भारत के बीच जो हिस्सा है उनकी सीमा बॉर्डर है, सीमा है। ठीक है, ये आपका आपने देखा होगा यहाँ, ये क्या किया इन्होंने कि चाइना को एक तरह से गिफ्ट दे दिया, किसने? पाकिस्तान ने। और पीओके ये पाकिस्तान के कब्जे में है यहाँ तक। ठीक है, तो एक तरह से कह सकते हैं कि 37% के करीब आपका किसके पास है? पाकिस्तान के। 20% के करीब इसका हिस्सा आपका चाइना के बीच पास, और बाकी हमारे पास एक बड़ा हिस्सा है जिसे हम लोगों ने दो भागों में बांट दिया, लद्दाख, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। ठीक है, इसी की बात की जा रही है। सबसे पहले हम लोग चलते हैं कश्मीर के इतिहास की बात करते हैं। उस समय में तत्कालीन में प्राप्त दस्तावेजों के अनुसार हमें जो जानकारी प्राप्त होती है उससे पता चलता है कि यह क्षेत्र मौर्यों के शासन क्षेत्र के अंतर्गत आता था। इसके बाद यहाँ पर कुषाण जाति के लोगों का शासन रहा। अशोक को आप सुनते रहते ना कि कश्मीर में अशोक रहा, उसने स्थापना किया, तो आप समझते रहते हैं। तो ये मौर्यों के समय की है। कुषाण जाति के लोग बौद्ध धर्म को मानते थे, इस वजह से स्थान पर बौद्ध धर्म का खूब प्रसार हुआ। कहाँ? कश्मीर में। ये स्थान बौद्ध धर्म के अध्ययन का केंद्र बन गया। कुषाण वंश का महान राजा कनिष्क ने चौथा बुद्धिस्ट काउंसिल भी आयोजन किया था यहाँ कश्मीर में ही। इनके इनके उपरांत विभिन्न तरह के हिंदू राजाओं का समय समय पर राज रहा।
जम्मू कश्मीर में। इन्हीं हिंदू राजाओं में से एक थे जिनका नाम कारतूका था। क्या था? कारतूका था। यहां पर स्थित सूर मंदिर मार्तंड की स्थापना की। इसके बाद 13वीं सदी के आसपास इस्लाम यानी कि मुस्लिम कश्मीर में आए। इस्लाम कश्मीर में आने पर यहाँ के कई लोगों का धर्म इस्लाम में बदल दिया गया। अंततः यहाँ के राजा को भी इस्लाम में बदलना पड़ा। इसी समय कश्मीर सल्तनत की शुरुआत हुई। किसकी? कश्मीर शुरुआत कश्मीर सल्तनत की। फिर आगे चलते हैं कालांतर में। सन 1586 के आसपास मुगलों ने कश्मीर को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय अकबर के शासन का समय था। किसकी? अकबर का समय था। इसके बाद अफगानियों ने सन 1751 के आसपास कश्मीर में आक्रमण करना प्रारंभ कर दिया। इस समय अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने इस समय के कमजोर मुगल को हरा दिया। किसने? अफगान शासक अहमद शाह अब्दाली ने, जो मुगलों का शासन था कश्मीर पर, उसने उन्हें हरा दिया। और यहाँ पर राज किसका स्थापित हो गया? अफगानों का। इसके उपरांत कुछ वर्षों के बाद साल 1819 आता है। 1819 में सिखों के तत्कालीन राजा जो राजा महाराजा रणजीत सिंह थे, इन्होंने अफगानियों को हरा कर कश्मीर को अपने राज्य में मिला लिया। साल 1846 में जब महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु हो चुकी थी, तो इस समय अंग्रेजों ने सिख एंग्लो युद्ध में सिखों को हराकर यहाँ पर डोगरा वंश के लोगों को शासन करने के लिए छोड़ दी। डोगरा वंश के राजा महाराजा गुलाब सिंह ने इस राज्य में राजा बनने के लिए 75 लाख रुपए दिए थे। इसके बाद इसी वंश ने यहाँ पर 100 वर्षों तक राज किया। आप समझ रहे हैं कि एक तरह से आप सोचिए, पहले यहाँ आपने देखा कि मौर्यों का शासन हुआ, आपने देखा कौशाण फिर आए, उसके बाद आपने देखा बौद्धों का भी समय कुछ समय तक यहाँ शासन रहा, फिर आपने देखा कि हिंदुओं के राजा भी यहाँ नाम कारतूका साहब भी रहे यहाँ, फिर आपने देखा कि इस्लाम धर्म भी का कब्जा रहा यहाँ, आपने देखा कि अकबर यानी कि मुगलों का भी यहाँ कब्जा रहा कुछ समय के बाद, फिर आपने देखा कि यहाँ अफगान शासकों का भी शासन रहा यहाँ, फिर आपने देखा कि सिखों का भी यहाँ तत्काल शासन रहा यहाँ, ठीक है, फिर आपने देखा कि अंग्रेजों ने इस ये क्षेत्र को जीत लिया। और आप कह सकते हैं कि बदले में डोगरा जो वंश था इसे एक खास राशि के बदले इन्हें दे दिया गया। ये 75 लाख रुपए के करीब एक राशि थी। और इस तरह इस पर आपका 100 वर्षों तक डोगरा वंश का ही शासन चला। अब आते हैं हम लोग कश्मीर के राजा महासिंह पर, महाराजा हरि सिंह पर। महाराजा हरि सिंह साल 1947 के दौरान यह चाहते थे कि वे बंटवारे के बाद कश्मीर ना तो भारत में शामिल हो ना ही पाकिस्तान में हो, यानी कि एक न्यूट्रल रहे, यानी कि अलग से देश बनने की मांग कर बैठे। और याद रखिए उस समय क्या था कि ये जो भी आपकी देसी रियासतें हुआ करती थी उन्हें ये छूट थी कि वो या तो पाकिस्तान में भी सम्मिलित हो सकती हैं, भारत में भी सम्मिलित हो सकती हैं, या फिर न्यूट्रल भी रह सकती हैं। न्यूट्रल का मतलब है कि दोनों से अलग भी देश बना सकती हैं अपना। हरि सिंह कश्मीर को एशिया का स्विट्जरलैंड बनाना चाहते थे, यानी कि अपना किसी से कोई मतलब ना रखना, एशिया का स्विट्जरलैंड। इसी समय यहाँ पर नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक शेख अब्दुल्ला, इनका नाम याद रखिए, ये नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के संस्थापक हैं शेख अब्दुल्ला, और उनके लोग कश्मीर में लोकतंत्र लाने के लिए काम कर रहे थे। ये चाहते थे कि कश्मीर में किसी राजा का राज ना हो कर लोकतंत्र की स्थापना हो, और ऐसा हो कि राजा रहे किंतु राजा के पास बहुत सीमित शक्तियां हो। इस पार्टी को उस समय की पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस का पूरा सहयोग प्राप्त था, यानी कि जो हमारे देश की उस समय की पार्टी थी उसका इसे पूरा सहयोग था इस पार्टी को। इस समय पूरे देश को एक नए तंत्र की जरूरत थी, इसी वजह से कांग्रेस देश में लोकतंत्र लाने के लिए शेख अब्दुल्ला का साथ दे रही थी। इसी समय जिन्ना ये चाहते थे कि भारत दो भागों में, यानी कि एक हिंदू और मुसलमान के नाम पर विभाजित हो, यानी कि धर्म के नाम पर इन दोनों देशों का विभाजन हो। एक हद तक आप देख सकते हैं कि पाकिस्तान तो धर्म के नाम पर मुस्लिम राष्ट्र बन गया, क्योंकि यहाँ से हमारे यहाँ के जो भी हिंदू गए थे आपने वहाँ स्थिति देखी कि कितने परसेंट से, आप समझिए ना के बराबर आज हमारे हिंदू बचे हुए हैं। समझ रहे हैं कि मतलब उन्हें या तो कन्वर्ट कर दिया गया, अपने धर्म में बदल दिया गया, या फिर उनकी हत्या कर दी गई। किस तरह से उनकी स्थिति है आप जानते हैं, जग जाहिर है सबके सामने।
समझ रहे हैं। लेकिन भारत एक सेकुलर देश है, यानी कि मतलब कोई धर्म धर्म के नाम पर हमारे देश की स्थापना नहीं हुई। यहाँ आप देख सकते हैं सिख भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, मुस्लिम रहते हैं, बौद्ध भी रहते हैं, हर किसी को अपने धर्म को मानने की भी स्वतंत्रता है। तो इनका जिन्ना का मानना था कि दो देश बने जिसमें एक हिंदू बहुल और दूसरा मुसलमान बहुल देश हो। इस तरह से जिन्ना का कहना था कि उस समय के 70% वाली मुस्लिम आबादी वाला कश्मीर पाकिस्तान में शामिल हो जाए। लेकिन महाराजा हरि सिंह थे जो यहाँ के, ये ऐसा नहीं होने दिया इन्होंने, और उन्होंने एक समझौते पर हस्ताक्षर किया कि पाकिस्तान से दोनों देशों के व्यापार आदि जारी रहेंगे, किंतु कश्मीर किसी भी देश में शामिल नहीं होगा। यानी कि बीच में रहकर, एक तरह से आप नेपाल को देखते हैं ना, कि नेपाल ना तो पहले क्या हुआ करता था कि ये जितना ही चाइना को अपना दोस्त मानता था उतना ही भारत को मानता था। ये बात अभी अलग है कि अब चाइना की तरफ इसका झुकाव बढ़ता जा रहा है नेपाल का। तो ये रहा है आपके, अभी तक हम लोग देख रहे हैं राजा हरि सिंह को। अब बात करते हैं कश्मीर में होने वाली विभिन्न विद्रोह और समस्याओं की। आखिर समस्याएं कहाँ उत्पन्न हुई? सब ठीक चल रहा था तो इसके बाद समस्याएं आखिर कहाँ आई कि ऐसी परिस्थिति बन गई कि भारत में सम्मिलित होना पड़ा जम्मू कश्मीर को। इससे पहले भारत से समझौता हो पाता कि कश्मीर के पूंछ इलाके में एक बड़ा विद्रोह हो गया। इस विद्रोह का कारण था कि इस इलाके में पहले से कुछ भारतीय सैनिक रह रहे थे जिन्होंने महाराजा हरि सिंह के सैनिकों को से बगावत कर दी। यानी कि जो महाराजा हरि सिंह की सेना थी, यानी कि उनके जो अपनी सेना तंत्र था, उससे बगावत कर दी। महाराजा हरि सिंह के सैनिकों ने इन पर गोलीबारी की जिससे कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई इस गोलीबारी में। इस वजह से यह विद्रोह और भी अधिक बड़ा हो गया। इसके बाद ये आपने देखा कि एक बहुत बड़ा विद्रोह था जम्मू का दंगा। बंटवारे के समय देश में जगह जगह पर दंगे हो रहे थे। इसी तरह का एक दंगा जम्मू में हुआ। इस दंगे में यहाँ के मुसलमानों को मारकर भगाया जाने लगा। यहाँ के मुसलमान खुद को बचाने के लिए पाकिस्तान जाने लगे। एक बात और आप याद रखिए कि कहते हैं कि गांधी जी चाहते थे कि पाकिस्तान का बंटवारा हो, पाकिस्तान अलग राज्य बने। देखिए उस समय इस तरह की स्थिति पैदा हुई थी कि कोई भी होता तो उस समय यही मतलब लास्ट विकल्प था आपके पास, क्योंकि हर जगह आपने देखा कि दंगे हो रहे थे, लोगों को मारा जा रहा था, काटा जा रहा था। तो इसमें एक ही भलाई थी इस दंगों को रोकने की कि पाकिस्तान को अलग कर दिया जाए। समझ रहे हैं? उपयुक्त तो दो घटनाओं का हवाला देते हुए पाकिस्तान ने अपने तरफ से पश्तून लड़ाकुओं को मोर्चे के लिए भेजा। याद रखिए इन इस पॉइंट को, पश्तून लड़ाकुओं को इसने क्या किया कि जो कश्मीर है इसके मोर्चे पर भेजा। इन सैनिकों ने 22 अक्टूबर को कश्मीर की घाटी में आक्रमण कर दिया। इस पर महाराजा हरि सिंह ने भारत से सैन्य मदद मांगी। इस पर भारत ने महाराजा हरि सिंह से भारत में शामिल होने का प्रस्ताव दिया। भारत से बचने के लिए महाराज ने भारतीयों की बात मान ली। ये याद रखिए कि जब पाकिस्तान ने इस पर पश्तून के जो लड़ाकू थे इन्होंने जब आक्रमण किया तो महाराजा हरि सिंह के पास कोई दूसरा विकल्प भी नहीं था, और इसी विकल्प का फायदा भारत ने भी उठाया। भारत ने कहा कि मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? आप ही सोचिए कि आपको अगर कुछ लाभ ना हो तो आप दूसरे की मदद क्यों करेंगे? स्वाभाविक सी बात है। तो इन्होंने जो भारत ने मांग रखी थी ये मांग हरि सिंह ने, उस समय के जो राजा थे कश्मीर के, इन्होंने मांग ली। और 26 अक्टूबर 1947 में भारत के इंस्ट्रूमेंट ऑफ सक्सेशन पर हस्ताक्षर कर दिए। एक तरह से एक इनका मतलब एक लिफाफ, कोई आप नहीं लिख लेते हैं कि ये शर्तें रहेंगी, इस तरह से आप समझ सकते हैं कि एक डॉक्यूमेंट होगा, एक मतलब कागज है, उसी तरह से उस पर हस्ताक्षर कर लिए। और हरि सिंह ने सभी बातों को मान के उस पर सिग्नेचर भी कर दिए। पाकिस्तान ने इस पर आपत्ति जताई और ये कहा कि ये संधि कश्मीर के लोगों की मर्जी के खिलाफ है। इस एक्सेशन को शेख अब्दुल्ला ने भी स्वीकार किया। यानी कि जो आप यहाँ की एक तरह से जो लोकतंत्र की बात कर रहे थे ना, इन्होंने भी स्वीकार किया इसे। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि भारत के पक्ष में ही रहे। इस सक्सेशन पर पाकिस्तान का रवैया सही नहीं रहा। इस पर उनका कहना था कि एक इंस्ट्रूमेंट हरि सिंह को दबाव में रखकर साइन कराया गया है और इसमें कहीं भी कश्मीर के लोगों का कोई मत नहीं दिखाई देता है, किंतु यह संधि पूरी तरह से कानूनी थी और इस पर अमल किया गया। इंस्ट्रूमेंट के अंदर ये बात थी कि जब परिस्थितियां ठीक होंगी तो लोगों का मत जाना जाएगा।
आगे कश्मीर में भविष्य का निर्णय किया जाएगा कि इस समय शेख अब्दुल्ला को इमरजेंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के पद पर महाराजा द्वारा नियुक्त किया गया ताकि वे स्थितियां संभालें। इसके बाद महाराजा ने श्रीनगर छोड़ दिया और शासन से अलग हो गए। साल 1948 के युद्ध के बाद शेख अब्दुल्ला को कश्मीर का प्रधानमंत्री यानी कि एक समय कह सकते हैं कि उस समय का कश्मीर का मुख्यमंत्री के पद पर आसीन व्यक्ति को प्रधानमंत्री कहा जाता था। जिस समय आप सोचिए कि उत्तर प्रदेश है या फिर बिहार है या कहीं है तो इन्हें एक तरह से सीएम कहा जा रहा है। उस समय कश्मीर के क्या रहता था कि वहां के सीएम को एक तरह से प्रधानमंत्री कह देते थे, ठीक है। तो इन्हें प्रधानमंत्री बना दिया गया कश्मीर का। फिर साल 1947-48 की लड़ाई होती है। इंस्ट्रूमेंट साइन होने के बाद भारत ने अपनी सेना को पाकिस्तान से लड़ने के लिए भेजा और इसी के साथ भारत पाकिस्तान की पहली कश्मीर की लड़ाई शुरू हुई। यह लड़ाई काफी ऊंचाई पर लड़ी गई थी जहां पर भारतीय सेना को हेलीकॉप्टर के सहारे भेजा गया था। इस लड़ाई में पाकिस्तानी आर्मी को मुंह की खानी पड़ी और भारतीय सेना उन्हें पीछे खदेड़ने में सफल भी रही। इस लड़ाई में भारतीय सेना ने कश्मीर की घाटी को अपने कब्जे में कर लिया। आप समझिए कि एक बात और याद रखिए कि अभी तक जितने भी पाकिस्तान ने हरकतें की उसका मुंह की खानी पड़ी, उसे हर बार हार का मुंह देखना पड़ा। वो कहते हैं कि लाहौर तक हमारी आर्मी पहुंच चुकी थी लेकिन उसी के बीच आपने देखा है कि यूएन का मामला आ गया और समझौता होने लगा, समझ रहे हैं, तो मतलब रोक दिया गया वरना पाकिस्तान को भी अपने कब्जे में कुछ समय के बाद ले सकती थी। ये आजाद कश्मीर का मुद्दा क्या है आखिर, ये आप देखते हैं। ये आजाद कश्मीर इसे कहते हैं, ठीक है, जो पाकिस्तान के कब्जे में है। जिस समय ये लड़ाई चल रही थी उस समय कश्मीर के पश्चिमी इलाके में जैसे आपका पूंछ हो गया, बारामूला आदि क्षेत्र पाकिस्तान के सहारे एक कठपुतली सरकार बनाई गई। यहाँ पर इस क्षेत्र ने खुद को स्वतंत्र घोषित करके खुद को आजाद कश्मीर का नाम दे दिया। ये आजाद कश्मीर आज भी मौजूद है जो पाकिस्तान के कब्जे में, जिसकी सरकार पाकिस्तान द्वारा चलती है। इसे आजाद कश्मीर की राजधानी मुजफ्फराबाद है। वो कश्मीर का उत्तरी इलाका जिसमें गिलगित, बलूचिस्तान, मुजफ्फराबाद, मीरपुर आदि क्षेत्र पाकिस्तान में पड़ने वाले कश्मीर में मौजूद है। हम लोग क्या कहते हैं उसे, पीओके वाला हिस्सा कहते हैं, यानी कि उस पर पाकिस्तान जबरदस्ती का कब्जा किए हुए है, लेकिन उसे वो क्या कहते हैं, कश्मीर कहते हैं, आजाद कश्मीर, यानी कि ये आजाद है, समझ रहे हैं। एक बात और याद रखिए, अभी कश्मीर यानी कि आपके जो पाकिस्तान है इसने एक नया मैप जारी किया हुआ है। पहले आपने देखा कि नेपाल ने जारी किया हुआ है मैप्स, उसके बाद इसने भी जारी किया हुआ है। इसने क्या किया कि जो आपका जम्मू कश्मीर का पूरा हिस्सा है इसे लद्दाख तक अक्साई चीन को छोड़कर इसे अपने में अपने एरिया में बताया है। यार इसने गुजरात में भी आपने देखा होगा, गुजरात में आपका जो जूनागढ़ है इसे भी अपना ही एरिया बताया हुआ है। एक तरह से मतलब फर्जी मैप बनाया जा रहा है। अब बात करते हैं यूनाइटेड नेशन में यानी कि यूएन में इस समस्या को किसने ले गए और कहते हैं कि यही सबसे बड़ी भूल थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की और इसी गलती का लोग कहते हैं कि आज भी भुगतना पड़ रहा है इस गलती की। सब इस समस्या को लेकर भारत जनवरी 1948 में यूनाइटेड नेशंस गया और उस तरफ से पाकिस्तान भी इस मामले को लेकर यूनाइटेड नेशन पहुंचा। यहाँ पर कश्मीर समस्याओं को देखते हुए यूनाइटेड नेशन ने एक कमीशन बैठाया जिसका नाम था यूनाइटेड नेशन कमीशन फॉर इंडिया एंड पाकिस्तान। इस कमीशन को भी आप लोग याद रखिए। इसमें कुल 5 सदस्य शामिल थे। इन 5 लोगों ने भारत और कश्मीर का दौरा भी किया, इसका हल निकालने की कोशिश भी की। इस कोशिश से हालांकि कोई रास्ता नहीं निकला। वैसे यूनाइटेड नेशन ने कि इस कमीशन ने एक आपका रेजुलेशन अडॉप्ट किया। इस रेजुलेशन में 3 यानी कि कौन सेक्यूशल नॉन वाइंडिंग स्टेप्स, यानी कि एक तरह से आप कह सकते हैं कि ये किसी पर मानना बाध्यकारी नहीं था, समझ रहे हैं। कोई भी आप देखते हैं कानून भी बनता है तो एक तरह से वो बाध्यकारी भी रहता है, एक अबाध्य यानी कि आपकी स्वेच्छा पर निर्भर करता है। तो ये भी जो भी बनाया गया ये आपका बाध्यकारी नहीं था किसी के पास। इसका अर्थ था कि 3 शर्तों में यदि पहली शर्त मानी गई तो वह दूसरी शर्त मानी जाएगी। ये 3 रेजुलेशन निम्नलिखित थे। पाकिस्तान को कश्मीर से अपनी सेनाएं तुरंत हटा लेनी चाहिए। भारत को सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए कम से कम सेना रखकर सभी आर्मी
हटा लेनी चाहिए। एक तरह से सोचिए कि पाकिस्तान जब अपनी कश्मीर से सेना हटा लेता है तो उसके बाद भारत को क्या करनी है कि भारत को भी अपनी सेना वहां से हटाना है, ये समझौता हुआ। बस उतनी ही सेना रखनी है कि जहां से वहां का शासन व्यवस्था किया जा सके। एक प्लेबिसाइट लोगों का मत जानने के लिए लागू किया जाना चाहिए। जब ये तीनों दोनों लागू हो जाती है शर्तें, उसके बाद क्या होगा कि यहाँ के जो लोग रह रहे हैं उनका जनमत, यानी कि जनमत का मतलब ये होता है कि एक खास लोग में रह रहे हैं किसी एरिया में, तो उनकी इच्छा जाननी चाहिए कि यहाँ के लोग क्या चाहते हैं, तो उसकी बात की गई थी। लेकिन आप जानते हैं कि ऐसा नहीं हो पाया। किंतु ये 70 साल में पाकिस्तान ने अपनी आर्मी कश्मीर से नहीं हटाई, जिस वजह से आगे भी दो शर्तें नहीं मानी गई। पाकिस्तान का कहना है कि वो यदि उन्होंने फौज हटाई तो भारत उनके कश्मीर पर हमला करके अपने अधीन कर लेगा। भारत को भी यही डर है कि इस तरह आज तक दोनों में किसी देश ने भी अपनी सैन्य क्षमता यहाँ से नहीं हटाई। वो अभी भी आप लोग देखते रहते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तान हर बार आतंकवादियों को भेजकर यहाँ की व्यवस्था को तहस नहस करता है, उसका जवाब भी भारतीय आर्मी देती है, चलता रहता है। ये आप समझिए कि 1948 से ही लगभग चल रहा है और अभी भी बरकरार है। अब बात करते हैं एलओसी की, कश्मीर एलओसी यानी कि लाइन लाइन ऑफ कंट्रोल। साल 1948 में सीज फायर हुआ था। सीज फायर यानी कि कुछ समय के लिए दोनों सेनाओं के बीच गोलाबारी रुक गई। सीज फायर के समय डिफेक्टो बॉर्डर बना। तत्कालीन समय में यह बॉर्डर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर काम कर रही है, किंतु इसे अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर नहीं कहा जाता है। इसी को साल 1972 में एलओसी यानी लाइन ऑफ कंट्रोल का नाम दिया गया। यह नाम शिमला शिमला जो समझौता हुआ था उस समय तय किया गया। साथ ही यह भी तय किया गया कि कश्मीर मसले को भारत और पाकिस्तान खुद ही में बात करके सुलझाएंगे, यानी कि तीसरे बाहरी लोगों का इसमें हस्तक्षेप नहीं लिया जाएगा, ना तो किसी देश का, ना ही किसी यूएन यानी किस तरह के संगठन का। एक बार आप लोग मैप्स देखिए किसकी बात की जा रही है। ये है जो इसे कहते हैं यहाँ आपका एलओसी है, और जो आपका चाइना के हिस्सा में इसके जो बाउंड्री है हमारे भारत और चाइनी अक्साई चीन के बीच, इसे एलएसी बोल देते हैं। ठीक है, याद रखिए। अब बात करते हैं कश्मीर एलएसी यानी कि जो आपका बताया है ना कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, जो कश्मीर का एक हिस्सा है अक्साई चीन, ये है आपका अक्साई चीन, दिख रहा है आपको अक्साई चीन, इसके बीच जो सीमा है इसे आप लोग एलएसी बोल देते हैं। यहां पर चाइना का कंट्रोल है भी, भारत स्थित कश्मीर और चाइना की अक्साई चीन बॉर्डर को भी लाइन ऑफ कंट्रोल एक्चुअल कंट्रोल यानी एलएसी कहा जाता है। चाइना ने साल 1972 में अक्साई चीन पर कब्जा किया था। आप जानते हैं कि हमारे देश और चीन की लड़ाई यानी कि बीच युद्ध हुआ था 1962 में। उस समय आप देखते हैं कि चीन ने चीन हम लोग को हार मिली और चीन को जीत मिली, उसी समय अक्साई चीन पर इसने कब्जा कर लिया। उसके बाद देखा है आपने कि जब हम हार गए चीन से तो पाकिस्तान के भी हौसला बुलंद होने लगे, उसने कहा कि भारत कमजोर पड़ चुका है, तो उसने भी 1965 में हमारे ऊपर आक्रमण कर दिया। लेकिन बाद में आपने देखा किस तरह से पाकिस्तान को मुंह हार का मुंह देखना पड़ा। भारत और चीन के बीच युद्ध हुए युद्ध में के बाद पाकिस्तान ने चीन की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया, और इस दोस्ती के एवज में पाकिस्तान ने चीन को कश्मीर का एक बहुत बड़ा हिस्सा दे दिया। इस हिस्से का नाम है सबसे गाम वैली। आप लोग भी अपनी जिंदगी में देखते हैं कि जब हमारी किसी से दोस्ती होती है, यानी कि कभी हम देखते हैं कि कभी हमारी दुश्मनी होती है किसी से, तो हमारे जो दुश्मन होते हैं वो हमारे दुश्मन से हाथ मिला लेते हैं। पहले वाले जो हमारे दुश्मन होते हैं, अगर हमारा कोई नया दुश्मन बन रहा है तो उससे हाथ मिला लेते हैं। कहते हैं ना कि दुश्मन का दुश्मन हमारा दोस्त, ये समझते हैं आप लोग, तो यही बात है। तो ये यहाँ आप देखेंगे यहाँ का हिस्सा है जो इसने क्या किया कि पाकिस्तान ने कश्मीर को एक तरह से गिफ्ट में दे दिया। साल 1965 में पाकिस्तान ने चाइना को यह वैली तोहफे यानी कि आप समझ सकते हैं गिफ्ट के रूप में दे दिया। यह बात शिमला एकॉर्ड के अनुसार गलत थी, क्योंकि पाकिस्तान ने कश्मीर के मामले में चीन को भी खींच लिया है, यानी कि अभी दो देशों के बीच ये मसला खड़ा हुआ था, तो इसने क्या किया कि अब चीन को भी इसमें सम्मिलित कर लिया। कालांतर में इससे दोनों देशों के बीच कश्मीर समझौते पर दिक्कत आ सकती थी,
यह मामले में भारत और पाकिस्तान के बीच अब चीन भी इसमें शामिल हो गया। और अभी हाल में ही में आपने देखा है कि अक्साई चीन में यही हमारे हमारे देश के सैनिकों और कश्मीर के सैनिक यानी कि चीन के सैनिकों के बीच झड़प हुई, जिसमें हमारे देश के सैनिक 20-21 सैनिकों के करीब शहीद भी हुए। तो यही की बात की जा रही है लद्दाख के पास अक्साई चीन में। ठीक है, अब बात करते हैं कि कश्मीर में धारा 370, जिसे आपने देखा है कि अगस्त 2019 में हटा दिया गया। आर्टिकल 370 भारतीय संविधान का आर्टिकल है, ना कि कश्मीर का संविधान। इस आर्टिकल को शेख अब्दुल्ला और गोपाल स्वामी अयंगर ने मिलकर ड्राफ्ट किया था। इस धारा के तहत भारत के संविधान में कश्मीर को विशेष छूट दी गई थी। कुछ ऐसे भी प्रावधान थे, फिर चाहे आप लोग किसी तरह का ST/ST एक्ट देख लीजिए, फिर चाहे नागरिकता का प्रावधान देख लीजिए, कुछ ऐसे मतलब यहाँ भी बाकी राज्यों में हमारे देश में लागू होते थे, लेकिन यहाँ कश्मीर में लागू नहीं होते थे, या होते भी थे तो यहाँ की जो विधानसभा हुआ करती थी उससे सहमति लेनी पड़ती थी। लेकिन 370 के हटने के बाद अब वो सभी प्रावधान जम्मू कश्मीर में भी लागू होंगे जो बाकी देशों देश के बाकी राज्यों में होता है। अब कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। हालांकि आर्टिकल में टेम्पररी शब्द का इस्तेमाल किया गया था, यानी कि स्थायी आर्टिकल नहीं था। आप कह सकते हैं कि कभी भी इसे खत्म किया जा सकता था, वो यही हुआ, जिससे यह पता चलता है कि दी गई छूट अस्थायी है। ध्यान देने योग्य बात यह है कि जम्मू कश्मीर में कानून बनाने का अधिकार वहां की स्टेट असेंबली यानी कि जो भी वहां की विधानसभा थी उसे ही था। यदि भारत की केंद्र सरकार वहां पर अपने बनाए गए कानून को लागू कराना भी चाहती तो पहले उसे वहां के स्टेट असेंबली में पास कराना होता है। आप एक तरह से अभी समझिए कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश को आप लोग ले लीजिए, केंद्र सरकार ने कोई कानून बनाया और ऐसा प्रावधान कुछ उत्तर प्रदेश को स्पेशल शक्ति दे दी जाए, यानी कि विशेष अधिकार दे दिया जाए कि जो केंद्र सरकार ने कानून बनाया है वो उत्तर प्रदेश मानेगा नहीं जब तक कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा उसे स्वीकार नहीं कर लेती है। तो ये तो एक तरह से भेदभाव है ना, कि आप समझिए कि केंद्र सरकार कुछ और चाहती है, वहां की राज्य सरकार कुछ और चाहती है, तो एक हमेशा विरोध बना रहेगा इन दोनों राज्य सरकार में और केंद्र सरकार में। तो यही देखा जाता था कश्मीर में भी। इसके अलावा कश्मीर में भारत के अन्य राज्यों में कोई भी व्यक्ति जाकर स्थायी रूप से सेटल नहीं हो सकता, यानी कि आप सोचें कि आप किसी राज्य के हो जम्मू कश्मीर में जाकर स्थायी रूप से बस जाएं, ऐसा नहीं था। यहाँ पर ना तो आप लोग जमीन खरीदे जा सकती थी और ना ही घर बनाया जा सकता था। ये याद रखिए अगस्त 2019 के पहले की बात है, जब तक कि 370 नहीं हटा था। धारा 370 पर सरदार वल्लभ भाई पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की पूरी तरह से खिलाफ थे। इसके जो आर्टिकल 370 था, इसके आपके जो उस समय के कानून मंत्री थे और मिनिस्टर साहब थे, ये दोनों इसके खिलाफ थे। उन्होंने धारा 370 को ड्राफ्ट करने से भी इनकार कर दिया था। ध्यान देने वाली बात है कि B.R. अंबेडकर ने पूरा संविधान तैयार किया, किंतु धारा 370 ड्राफ्ट करने से इनकार कर दिया। आप कह सकते हैं कि इसमें कुछ तो कमी रही होगी, कुछ तो ये प्रॉब्लम खड़ा कर रहा होगा। आप सोचिए कि जिस व्यक्ति ने पूरा संविधान बनाया हुआ है, वही व्यक्ति इस तरह की जो भी कानून है यानी कि आर्टिकलों से ना ड्राफ्ट करने की इनकार कर दे, तो कुछ तो प्रॉब्लम रही होगी। और मैं कहता हूं कि बहुत पहले हटा देना चाहिए था इसे, आप समझ रहे हैं। अब आता है 6 अगस्त 2019 का समय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने कश्मीर से धारा 370 और 35A को हटाने का आदेश जारी किया। याद रखिए बीजेपी का ये मुद्दा ही रहे, चुनावी मुद्दा भी रहे, 370 को हटाना, राम मंदिर बनाना, ये सभी बीजेपी का गठन ही इसी आधार पर हुआ। तो जैसे ही मोदी सरकार आई दोबारा, मतलब आप समझिए दोबारा सत्ता में आई, उसके बाद इन्होंने प्रक्रिया शुरू किया। मोदी सरकार का एक बहुत बड़ा कदम था जिसे आजादी के बाद लिया गया। जम्मू कश्मीर की जनता में खुशी की लहर दौड़ गई। 31 अक्टूबर को यानी कि 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर और लद्दाख को दो केंद्र शासित प्रदेश बनाने की घोषणा कर दी गई। एक बात और बताऊं आपको, यहाँ सरकार चल रही थी, आप सोचिए यहाँ एक तरह से विधानसभा चल रही थी, तो आपने देखा कि बीजेपी ने उसे भंग कर दिया, यानी कि बीजेपी सहयोगी दल थी उसने इसे अपना सहयोग वापस ले लिया और सरकार वहां गिर गई। उसके बाद राष्ट्रपति के पास यानी कि जो राज्यपाल था वहां का, उसके पास पूरा अधिकार आ गया, समझ रहे हैं, राज्यपाल के पास पूरा अधिकार आ गया। तो उसके बाद आपने एक प्रावधान रखा गया था कि यहाँ की अगर आप यहाँ कोई बदलाव करते हैं तो यहाँ की असेंबली से आपको
विधानसभा से सहमति लेनी पड़ेगी। लेकिन आप सोचिए कि जब विधानसभा ही ना हो तो किससे स्वीकृति लेने की जरूरत है। तो यही बीजेपी ने एक चाल चली। और यहाँ आपके दो राज्य यानी कि एक कश्मीर, जम्मू कश्मीर, और दूसरा लद्दाख बना दिया गया। इसे आप देख रहे हैं। और जम्मू कश्मीर में याद रखिए, जम्मू कश्मीर में आपको विधानसभा देखने को मिलेगी जो, लेकिन लद्दाख है यहाँ विधानसभा नहीं है। या कहाँ है यहाँ विधानसभा नहीं है। यहाँ अभी याद रखिए, मैं ज्यादा नहीं बता रहा हूँ, यहाँ पॉपुलेशन और एरिया क्षेत्रफल यहाँ दिया गया है, आप देख सकते हैं। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि आप 2021 में जो जनगणना हो उसके बाद जो सही आंकड़े आएंगे उसके हिसाब से आप लोग याद रख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि आप देखेंगे अभी जम्मू कश्मीर में सीटों का भी निर्धारण नहीं हुआ है कि कितनी सीटें रहेंगी, तो उसका भी आप देखेंगे 2021 में जब चुनाव, या तो यहाँ चुनाव होंगे तब देखा जाएगा, या फिर आपका देखेंगे 2021 में जो जनगणना होगी उसमें जो नए आंकड़े आएंगे उसमें आप लोग परिचित हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ आपको कुछ पॉइंट, दो पॉइंट याद रखना चाहिए जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बारे में। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल की बात करें हम लोग, तो अभी क्योंकि ये फर्स्ट, जब से लद्दाख अलग हुआ है तब से आप सोचिए कि बन सकता है, ये क्वेश्चन बन सकता है कि पहला यानी कि केंद्र शासित प्रदेश बना हुआ है तो यहाँ के राज्यपाल कौन थे। तो याद रखिए यहाँ के राज्यपाल की अगर हम बात करें, जीसी मुर्मू थे आपके, जीसी मुर्मू साहब थे आपके पहले राज्यपाल यहाँ के। कौन थे पहले राज्यपाल? थे यहाँ के जीसी मुर्मू। और मनोज सिन्हा अभी इसके दूसरे राज्यपाल बनाए गए, जम्मू कश्मीर के दूसरे राज्यपाल मनोज सिन्हा बनाए गए, ठीक है। अगर अगर हम लोग जो आपका लद्दाख जो बनाया गया यूटी यानी कि केंद्र शासित प्रदेश, यहाँ के राज्यपाल की बात करें तो आर के माथुर साहब यहाँ के राज्यपाल हैं पहले, ठीक है, याद रखिए। और याद रखिए अब आपके 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने बचे हुए हैं। कब की बात कर रहा हूं मैं? ये अभी बात कर रहा हूं मैं जुलाई 2020 यानी कि अगस्त और जुलाई के बीच में हूं। और आपका आज डेट भी बता देता हूं, वैसे 9 अगस्त 2020 में हम लोग खड़े हुए हैं, इस क्लास को आप लोग बात कर रहे हैं हम लोग अगस्त में, ठीक है। तो अगस्त जुलाई में यहाँ के जो राज्यपाल हैं उनके बारे में बता चुका हूँ। और अभी पूरे हमारे देश में राज्यों की बात करें तो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि बढ़ते रहते हैं घटते रहते हैं, कोई नया राज्य बन जाएगा तो आगे आप लोग अपडेट होते रहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, कश्मीर में होने वाले अन्य घटनाक्रम की बात करें तो धारा 370 लागू होने के बाद एक घटनाक्रम निम्नलिखित है। साल 1953 शेख अब्दुल्ला को कश्मीर के प्रधानमंत्री पद से हटाकर 11 वर्ष के लिए जेल में डाल दिया गया है। ऐसा माना जाता है कि केंद्र सरकार ने से अनबन की वजह से नेहरू ने इन्हें जेल में डलवाया था। साल 1964 में शेख अब्दुल्ला जेल से बाहर आए और इन्होंने कश्मीर मुद्दे पर नेहरू से बात करने की कोशिश भी की, किंतु इसी वर्ष नेहरू की मृत्यु हो गई और बात पूरी नहीं हो सकी। साल 1974 में इंदिरा गांधी और शेख एकॉर्ड हुआ शेख अब्दुल्ला के बीच, ये आने की समझौता हुआ एक तरह से आप कह सकते हैं, जिसके अंतर्गत शेख को जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाया गया शेख अब्दुल्ला को। और इस वर्ष भी ये निर्णय लिया गया कि प्ले बिसाइट की जरूरत अब जम्मू कश्मीर में नहीं है क्योंकि जमीनी स्तर पर हकीकत पहले से अधिक बेहतर है, यानी कि ये कह सकते हैं कि जनमत संग्रह की जरूरत जम्मू कश्मीर में नहीं है। फिर आता है साल 1984, इस वर्ष भारतीय आर्मी ने दुनिया के सबसे बड़े और ऊंचे ग्लेशियर और युद्ध के मैदान को अपने कब्जे में कर लिया। इस समय भारत और भारतीय सेना को ऐसी खबर मिली थी कि पाकिस्तान सियाचिन पर कब्जा कर रहा है, इसी वजह से भारत ने भी चढ़ाई शुरू की और पाकिस्तान से पहले वहां पहुंच गए। सियाचिन बॉर्डर कूटनीतिक रूप से भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण भी है क्योंकि यदि यहाँ पर भारतीय सेना ना हो तो कश्मीर का चीनी क्षेत्र और पाकिस्तान क्षेत्र मिलकर एक हो जाएगा। हालांकि सियाचिन पर कब्जा करने के लिए पाकिस्तान ने कारगिल युद्ध भी
1999 में किया हुआ है। आप समझ रहे हैं, तब भी आपने देखा है कि इन्हें मोहिगी खानी पड़ी है। फिर आता है साल 2019 अगस्त। कश्मीर के इतिहास में यह साल सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। आजादी के बाद से जो कश्मीर भारत का हिस्सा हुआ कर वो हिस्सा हुआ रहते हुए भी पूर्ण रूप से भारत का हिस्सा नहीं था। आप समझिए कि कोई प्रावधान वहां लागू हो रहे हैं नहीं हो रहे, एक तरह से आप सोचिए भेदभाव था। तो इसी भेदभाव को खत्म कर दिया गया, उसे भारत का हिस्सा बना लिया गया। अगस्त 2019 में प्रधानमंत्री मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह ने घोषणा की, वहां से धारा 370 को हटा दिया। इस आदेश के बाद ही विपक्ष नेता ने इसका भरपूर विरोध भी किया, विपक्षी नेता जो भी रहे हैं। लेकिन मोदी सरकार ने सभी विपक्ष नेता जैसे महबूबा मुफ्ती को सरकारी हिरासत में ले लिया। एक बात और याद रखिए, क्योंकि बीजेपी के पास बहुमत है तो सरकार गिरने का कोई खतरा भी नहीं था। आप सोचिए, खतरा तब होता है कि जब आप गठबंधन की सरकार चला रहे हैं, तब आप किसी तरह का निर्णय भी नहीं ले पाते। गठबंधन मजबूत सरकार का यही मतलब रहता है, जब मजबूत सरकार को पूर्ण बहुमत मिला हो तो वो कोई भी फैसला ले सकती है देश के हित में, उसे किसी का भी कोई मतलब आप सोचिए दिक्कत नहीं रहती है। और जब गठबंधन की सरकार होती, आप सोचिए 2019 में भी, तो बीजेपी जैसे ही इस तरह के मामलों में हस्तक्षेप करती और इसके सहयोगी दल इससे अलग होने की बात करते, तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाती। लेकिन आप जानते हैं कि देश की जनता ने बीजेपी को 2014 में भी पूर्ण बहुमत की सरकार दी, और 2014 से तगड़े से आप सब कह सकते हैं 303 के करीब सीटें आपकी 2019 में मिली हुई है। तो दोबारा प्रधानमंत्री को अच्छी मार्जिन से जिताया गया जनता के द्वारा, तो उसी का फायदा उन्होंने लिया। साल अक्टूबर 2019 की बात करता हूँ। 31 अक्टूबर को केंद्र सरकार ने कश्मीर और लद्दाख को दो अलग अलग राज्य केंद्र शासित प्रदेशों की घोषणा कर अब कश्मीर में भी बाकी राज्यों जैसे काम हो सकेंगे। यानी कि कहने का मतलब है कि जो अन्य राज्यों में प्रावधान लागू होते हैं वही कश्मीर में लागू होंगे, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। एक शब्द और आता है, कश्मीर में मिलिटेंसी। साल 1987 में कश्मीर के असेंबली चुनाव के दौरान नेशनल कॉन्फ्रेंस और भारतीय कांग्रेस ने मिलकर बहुत भारी गड़बड़ी की। वहां इन्होंने चुनाव जीता। चुनाव में बहुत भारी संख्या में जीते जाने वाले दोनों पार्टियों के विरुद्ध काफी प्रदर्शन भी हुआ। कह जाता है कि इस चुनाव में धांधली की गई थी, और धीरे धीरे प्रदर्शन आक्रामक और हिंसक हो गया। इस हिंसक के प्रदर्शनों का फायदा उठाकर पाकिस्तान ने इन्हीं प्रदर्शनकारियों में अपने मुजाहिदीन जैसे आतंकवादी संगठन और जम्मू कश्मीर के लिबरेशन फ्रंट के अलगाववादियों को शामिल कर दिया। आप समझिए कि आप सोचिए कि मुझे लगता है कि जागरूकता, पहले के लोग बड़े जागरूक हुआ करते थे, आज के लोगों को किसी भी दिशा में भटकाया जा सकता है। और इसका फायदा पाकिस्तान बाखूबी उठाता है कि आप देखिए, जब भी अभी 370 हटाई गई उस समय भी पाकिस्तान ने पूरी कोशिश की, लेकिन हमारी आर्मी इतने तगड़े से जमी हुई थी किसी ने कोई शब्द नहीं निकाल पाया। एक समय आप सुनने को मिलता था कि जम्मू कश्मीर से 370 हटाया गया तो खून की नदियां बहेंगी, लेकिन आपने देखा है कि परिंदे ने भी पर नहीं, क्या बोलते हैं उसे, पर नहीं घाल पाए। आप समझ सकते हैं, इस वजह से ये स्थिति और बुरी होती चली गई। इसे कश्मीर की आजादी से जोड़कर लोगों के बीच लाया गया। युवा कश्मीरियों को सरहद पार भेजकर उन्हें आतंकी ट्रेनिंग दी जाने लगी। इस तरह की सभी आतंकी गतिविधियों को ISI और अन्य विभिन्न आतंकवादी जो संगठन है इनका समर्थन भी प्राप्त था। एक समस्या और आप लोग सुनते रहते, कश्मीर में कश्मीरी जो पंडित थे उनकी समस्या आज भी आप लोग चर्चा में बना रहता है। साल 1990 में कश्मीरी पंडितों को बहुत अधिक विरोध और हिंसा झेलनी पड़ी। कश्मीरी पंडित कश्मीर घाटी में एक अल्पसंख्यक हिंदू समुदाय है। आपको मालूम है कि यहाँ अल्पसंख्यक में यानी कि यहाँ ज्यादा लोग मुस्लिम थे और हिंदू यहाँ कम ही थे। हालांकि ये अल्पसंख्यक थे फिर भी इन्हें अच्छी नौकरियां प्रशासन में अच्छे पद पर आसीन थी। साथ ही ये बहुत अच्छे पढ़े लिखे भी थे हिंदू, यानी कि जो आपके कश्मीरी पंडित थे। इस दौरान इनके खिलाफ कई धमकियां आनी शुरू हुई और खुले मतलब न्यूज पेपरों में इन्हें धमकियां दी जाने लगी। आप सोचिए, इतना मतलब दबदबा एक तरह से कह सकते हैं वहां के जो संगठन थे। कई बड़े कश्मीरी पंडितों को सरेआम गोली मार दी गई। इन्हें दिन दहाड़े धमकियां दी जाने लगी, यदि इन्होंने घाटी नहीं छोड़ा तो इन्हें जान से मार दिया जाएगा। किया भी कुछ ऐसा ही गया। लगभग आपके 200 से 300 कश्मीरी
कश्मीरी पंडितों को 2 से 3 महीने के अंदर मार दिया गया। इसके साथ ये धमकियां अखबारों में छपने लगी, कश्मीर पंडितों को कश्मीर छोड़ देना चाहिए। साथ ही दिन रात लाउडस्पीकर से भी इनाउंस यानी कि चिल्लाने लगे कि उन्हें डराया जाने लगा। अंततः क्या हुआ कि अपनी जान के डर से एक कश्मीरी पंडित जो कि लगभग आपकी 2.5 से 3 यानी कि आप कह सकते हैं कि 2.5 लाख से 3 लाख की संख्या में थे, इन्होंने क्या किया कि रातों रात घाटी छोड़कर जम्मू या फिर दिल्ली के लिए रवाना होना पड़ा है। इस घटना के पीछे एक वजह यह भी थी कि इस समय केंद्र सरकार ने जगमोहन को केंद्र का गवर्नर बनाया था। फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि यदि जगमोहन को गवर्नर बनाया गया तो वे इस्तीफा दे देंगे, और इस पर फारूक ने इस्तीफा दे भी दिया। यानी कि जगमोहन की गवर्नर बनाए जाने के खिलाफ थे फारूक। कश्मीर में इसके बाद पूरी तरह से अर्थ अव्यवस्था और अराजकता फैल गई। इस अराजकता में बड़े बड़े कश्मीरी पंडितों को अपना घर, अपने व्यापार आदि छोड़कर कश्मीर अथवा दिल्ली आना पड़ा। एक कश्मीर पंडित आज तक विभिन्न कैंपों में बहुत गरीबी में अपनी जिंदगी गुजार रहे हैं। आप समझ सकते हैं कि कैंपों में जब रहते हैं तो ना पढ़ाई की कोई सुविधा भी बेहतर दी जा सकती है, ना ही तो बेहतर स्वास्थ्य की व्यवस्था रहती है। अपना घर परिवार छोड़कर दूसरी जगह कैंप में रहना, एक समय से समझ सकते हैं कि इससे भयावह स्थिति कभी नहीं देखी जाती है। समझ रहे हैं? तो आप यही देखा गया। अगर हम लोग जम्मू कश्मीर में आपका अपस्फा जो आर्मी आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट है यानी कि आर्मी के पास जो स्पेशल पावर है उसकी बात की जा रही है, इस तरह की अराजकता को देखते हुए भारत सरकार ने यहाँ पर एक आर्म्ड फोर्स स्पेशल पावर जिसे आप लोग अक्सर अफस्पा कहते हैं, क्या कहते हैं, अफस्पा एक्ट लागू किया गया। यह भारत में पहली बार नहीं हुआ था कि इससे पहले कुछ उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में अफस्पा लागू किया जा चुका था। इस एक्ट के अनुसार सेना को कुछ अतिरिक्त पावर भी दिए गए जिसकी सहायता से वे किसी को सिर्फ शक की निगाह बिना पर भी वारंट यानी कि गिरफ्तार कर सकती थी। आप समझिए कि अगर आपको शक भी है यहाँ अगर आर्मी को तो उसे भी गिरफ्तार कर सकते हैं, किसी पर संदेह होने पर उसे गोली भी मार सकते हैं, और किसी के घर की तलाशी भी बिना वारंट के ले सकते हैं आर्मी यानी कि हमारे यहाँ की जो सैनिक यहाँ है। और यह एक्ट इस समय कश्मीर को बचाने के लिए बहुत जरूरी भी था। इसके बाद बात धीरे धीरे हालात काबू में आने लगे, फिर भी व्यवस्था स्थापित करने और मिलिट्रेंसी को खत्म करने के लिए 1990 से साल 2000 तक काउंटर इंटरजेंसी चलाई। साल 2004 के बाद यहाँ पर मिलिट्रेंसी खत्म हुई। इस 10 वर्षों में कई सारी घटनाएं कश्मीर में हुई। एलओसी के पास से बहुत सारे आतंकवादियों को भारत में लाया जा रहा था। ये आतंकी जम्मू कश्मीर में आतंकी गतिविधियां भी करते थे और गोलीबारी और बम ब्लास्ट आदि करते थे। इस तरह से कश्मीर की स्थिति बहुत बुरी देखने को मिली हुई है। अब देखिए 370 हटा दिया गया, अब कुछ सुधार देखने को मिल रहा है। आगे आने वाले दिनों में देखेंगे क्या क्या सुधार होता है। ठीक है, तो ये था पूरा इतिहास।